स्मोकी, ठीक है। कोई आपसे कहता है मुझे स्मोकी चाहिए, आपको ये पहले उठाना है। एवरलास्टिंग बोलता है प्रोडक्ट का नाम पता रहेगा तो आप इजीली देखोगे। उसके बाद आता है हमारा लाइनर। दो कलर है हमारे पास, ब्लू ब्लैक। इसकी खूबी ये है कि ये 16 घंटे तक रहता है, 16 आवर्स स्टे आईलाइनर अभी तक मार्केट में नहीं आया, ठीक है। लगा के आपको वेट करना होता है पंखे के नीचे या आसपास में थोड़ा, पहले प्लीज यार फूंक मार दे मेरा ताकि जल्दी सूख जाए। इसकी खूबी ये है कि आप जैसे ही लगाते हो ये ड्राई हो जाता है, आपको वेट करने का जरूरत नहीं है। आईलाइनर हम कैसे लगाते हैं, कई लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एंड कर देते हैं, तो दोनों आंखों में डिफरेंस दिखती है, तो इट्स बेटर आधे से स्टार्ट कर दो। पहले आधी आंखों में लगाया, ओपन ओपन करो पूरा, सूख गया, ठीक है। इन्वर्टर की लाइट हाँ पाता हूँ सर, नेक्स्ट वीक, इस बार तो बाकी प्रिपरेशन में रहेगा। लगाते ही आप इसको खोल सकते हो, आपको इनकी आंखें बड़ी हैं तो आप मोटा लाइनर लगा सकते हो, बट अगर किसी की आंखें छोटी छोटी हैं तो उनको लाइनर अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि आप छोटी आंखों पे अगर लाइनर लगाते हो तो वो और छोटी लगेगी, ठीक है। आपको अगर लाइनर लगाना ही है छोटी आंखों में तो कोशिश करना आधी आंखों में लगाओ, फैशन भी है, आधी आंखों में लगाओ आधी आंखों को छोड़ो, उससे आपकी जो पीछे की आंखें जो छोटी छोटी वो थोड़ी ओपन दिखेगी, ठीक है। अभी मैं काजल लगा के दिखाऊंगी आधी आंखों में कैसे लगाते हैं, बट उससे पहले मैं मस्कारा यूज करूंगी आईलैशेस को वॉल्यूम और एनहांस करने के लिए। अगर आपको लेंथ बढ़ानी है, कई होती आईलैशेस बहुत छोटी होती है तो आप उनकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए आप उसको ऊपर से लगाओ, आईलैशेस के ऊपर से स्ट्रेट लगाओ, वॉल्यूम के लिए इसको अंदर से ज़िगज़ैग ऐसे ऐसे आप करते हो तो ये चिपकती नहीं आती। सबसे अच्छी आईलैशेस आपने किसकी देखी है एक्ट्रेसेस में, ऐश्वर्या और उससे भी अच्छी माधुरी, करिश्मा माधुरी उससे भी अच्छी माधुरी, सबसे अच्छी आईलैशेस श्रीदेवी की है, परफेक्ट आईलैशेस। रेखा की भी अच्छी है बट रेखा की आर्टिफिशियल, रेखा हमेशा आर्टिफिशियल यूज करती हूँ उसकी नेचुरल इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। माधुरी की अच्छी है, आधी से ज्यादा एक्ट्रेसेस तो नकली लगाती हैं, सब नकली होता है। तुम्हारी रिसेप्शन स्त्री उस शाम को ही खड़ा होते हैं मैं देखा एक दिन छोटे छोटे नेल हैं सुबह इतने होते लंबे रास्ता कैसे बढ़ गया तो आपका ये आपका मैटर नहीं है, ठीक है। इनकी आईलैशेस हेवी लग रही है। उसके बाद हम यूज करते हैं काजल। काजल आप लोग अपना शेयर करते हो किसी
किसी से? नहीं। क्यों? क्यों नहीं करते हो? करते हैं मैम, मेरी बेटी है या किसी का बेटा है। अच्छा, और अगर आई इन्फेक्शन हो गया तो? मैम तो और कोई नहीं कर रहा, सिर्फ मैं और मेरी बेटी। तो दोनों की आंखों में एक दूसरे का यूज कर रहे हो तो इन्फेक्शन हो सकता है? हाँ जी। तो नहीं कर रहा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आपका पूरा बिजनेस ही है शेयरिंग। जितना ज्यादा आप शेयर करते हो उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ता है। तो अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर बिजनेस को कैसे बढ़ाओगे? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिर आई इन्फेक्शन हो गया तो कितना न्यू ला के दोगे? आज आपने इनको चेक कराया, नया दिया, कल मैम आएंगी उनके लिए नया, फिर दूसरी आएगी उनके लिए, ऐसे तो आप पूरा गाड़ी का वो बना लोगे फैक्ट्री? ये ऐसे करोगे कि मैं अपना अलग रखती हूँ और टेस्टर अलग रखती हूँ ना? ऐसे करेंगे अपनी आँख आँख दूसरों की आँख आँख नहीं, उनकी आँखों के साथ आप खेल लोगे? सी काजल आप शेयर कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए काजल को क्लीन कैसे करते हैं। आप अपना काजल यूज किया, क्लीन करके रख दिया, उन्होंने यूज किया वापस से क्लीन करके आप यूज कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए क्लीन कैसे करते हैं, ठीक है? जैसे मैंने यूज किया, उसके बाद मैंने इसको क्लीन करना है, मैंने इसको अपने हाथों में अच्छे से घुमा के इसके टिप को, तो जितना काजल मैंने यूज किया था जो भी पानी मेरे आंखों का लगा होगा वो सारा यहाँ आ गया, घिस गया। अब मेरा अंदर का काजल साफ। अब मैं कैसे करती हूँ, जैसे अगर मैंने यूज किया अगर किसी और को करना है तो मैं अपने बालों में दस तरीके के लोग दस तरीके की ट्रिक, बट बालों में आपको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि फिर आप कभी आप घर में आपके बेडशीट है वाइट है पूरा कलर आपकी बेडशीट पे लग जाएगा, टॉवल पे लग जाएगा, तो नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है? आपकी आंखें अगर छोटी हैं तो आधे में लगाओ, सिर्फ आधे में ऐसे लगाओ, बट मैम की आंखें बड़ी हैं तो हम पूरे पे लगाएंगे। अब मैम की नींद उड़ जाएगी। और मेकअप करते वक्त आप कोशिश करना कि जिसका आप मेकअप कर रहे हो उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे रिएक्ट करेंगी, रिएक्शन देंगी, मेकअप मेरा वैसे वैसे खराब होता जाएगा। जब आप किसी का मेकअप करते हो देखा होगा वो हमेशा उसका कोई एक्सप्रेशन, मॉडल्स वगैरह को देखा उनका कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। मैं ब्लशर लगा रही हूँ, सपोज मैं इस चीक पे लगा रही हूँ, इस टाइम पे मैम हंस रही थी तो वो अलग लग गया, दूसरे टाइम लगा रही मैम ऐसे बैठी है तो मेरा ब्लशर उल्टा सीधा लग जाएगा। तो जितना आप मेकअप करते हो उसको कोशिश करते हैं कि उसका कोई रिएक्शन ना आए, ठीक है? लास्ट प्रोडक्ट है हमारा लिपस्टिक।